शनिवार को मंडी जिला के बल्ह में बल्ह पेंशनर वेलफेयर संघ की मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता जिला मंडी के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने की। इस मीटिंग में बल्ह क्षेत्र के पेंशनरों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मीटिंग में संघ को संगठित करने और संघ की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। शनिवार को बल्ह में बल्ह पेंशनर वेलफेयर संघ की मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में संघ की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंडी जिला पेंशनर वेलफेयर संघ के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि बल्ह पेंशनर वेलफेयर संघ की आयोजित मासिक मीटिंग में संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बल्ह खंड के बहुत से पेंशनर उपस्थित हुए हैं और सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार विमर्श किए और उन्होंने जयराम ठाकुर जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का डीए की किस्त और इंटरनल लीव को देने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। और इसके बाद उन्होंने उम्मीद की कि 5-10-15% की जो मांग है वो हिमाचल सरकार, जो कि पिछली पूर्व सरकार ने मानी हुई है कि 5-10-15% जिनकी आयु 65, 70 और 75 हो चुकी है, उनको मूल पेंशन में मिलाने की जो घोषणा की थी उसको तुरंत लागू करें। हरीश शर्मा ने कहा कि आगामी 30 मार्च को नवाही देवी सरकाघाट में हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर संघ की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। हमारे जो राज्य स्तरीय पेंशनर की जो बैठक है कार्यकारिणी की, वो 30 मार्च को नवाही देवी में होगी, जिसमें कि पेंशनरों से सबसे निवेदन किया गया है कि इस तिथि को 30 मार्च को नवाही में स्टेट की मीटिंग में सभी हाजिर हों। उन्होंने कहा कि संघ के सदस्यों ने मेडिकल कॉलेज के साथ पेंशनरों के लिए एक धर्मशाला बनाए जाने की मांग रखी है और इसके लिए जिला प्रशासन को जमीन उपलब्ध करवाए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।